सांगड़ जिले के इलाके पेरूमल में कत्ल थे नौजवान जफर मरी के कातलन की गिरफ्तारी लाए मलीर में सियासी समाजी अगवान साफिन पारा एहतजाजी मुजाहरों SHO पेरूमल इंतजामिया खिलाफ शदीद नारेबाजी इन सिलसिले में अचो तो ऐसूँ मलीर खां इनायत कमरान की ही रिपोर्ट असा मुतालबो था क्यों तो जफर मरी के कातलन के गिरफ्तार किया वे कातलन के पुलिस के गिरफ्तार कर घुर्जे पर पेरूमल पुलिस जहाँ है वह कातलन के तहफ़ दई रही है जैसे पुलिस जो कम है मुआफ़ रजन SHO पेरूमल जो है कातलन की सरपरस्ती कर रो है उन्होंने तहफ़ कर रो है अस SSP सांगड़ IG सिंध पुलिस का मुतालबो था क्यों तो फौरी तौर से कातिल के गिरफ्तार किया वे कातलन के पेरूमल पुलिस जहाँ है वह तहफ़ फराहम की है अस मुताल गिरफ्तार कर सख्त सजा दिनी उसे कारियं रिडियू आज पुलिस के अंदर उन्होंने खिलाफ कार्रवाई कई वे जफर मरी जीत एक छोकरो हो उनके इलाके में तमाम मामूली गाल कतल हो या एक सुठी गाल ना है अस मुतालबो करूँ था कातिलन के गिरफ्तार कर सख्त सजा दिनी वे जेके पुलिस की सरपरस्ती में रोज़ अस मजरूम मजदूर तबके या जेके गरीब मानू आन जेके उन्हें रोज बाक बेगुनाह कत्ल किया वे तो उन कातिल के गिरफ्तार कोई अक्सर उन्हें कातिल की पुष्ट पनाई है वह पुलिस पान कंदी इन वक्त ताज़ो ही जफर मरी जो बाक बेगुनाह कत्ल उनमें डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की पेरूमल थाने की पुलिस आ वह उन कातिल की पुष्ट पनाई कर रही है जफर मरी के कातल अजा तई बाकद आजाद घूमी रहा है असो मुतालबो आज पुलिस के मुअतल कर उन्हें जफर मरी के कातिल के फौरी तौर गिरफ्तार किया वे बी सूरत में पूरी सजी सिंध में इतिहास जो दायरों बदाय वो में जो नौजवान जफर मरी के बेगुनाह कत्ल किया है उनका कातिल आजाद घूमी रहा है पर पेरूमल की पुलिस को भी कदम नी खे नही वे कातिल गिरफ्तार करे थी असि सिंध गवर्नमेंट का IG सिंध का यह अपील था क्यों तो पेरूमल के पुलिस जफर मरी के कातिल के गिरफ्तार किया वे कतल की मजम्मत करूँ था पेरूमल पुलिस की कातिल की पुष्त पनाही की भी मजम्मत करूँ था अड़े कार्य मुजाहरीन पारा नौजवान जफर मरी के कातिल के तहफ़ फराहम कदड़ SHO पेरूमल के फौरी तौर पर मुअतल कर गिरफ्तार करण जो मुतालबो